अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नजीबुल्ला है और मेरा कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में जो रोल नंबर था वो था C220। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और दी कंप्यूटर सर्विसेज से जहां से मैंने अपनी प्रिपरेशन की है इसके हवाले से आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं। मेरा 6 मार्च को इंटरव्यू था इस्लामाबाद के अंदर ZTBL का। मैं इंटरव्यू सेंटर पर पहुँचा, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। 12:30 का टाइम था और मेरा राउंड अबाउट 2 o'clock मेरा जो है वो इंटरव्यू हुआ। जनरली ये होता है कि हम जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने खुद अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे ZTBL का एक नुमाइंदा जो है वो पास ही थे, वो हमें साथ लेके जाते थे। तो मुझे भी वो साथ लेके गए और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कोई परमिशन नहीं लेनी, आप मेरे साथ जा रहे हैं तो आपने सीधा जाके बैठ जाना होता है। लेकिन फिर भी जितने भी कैंडिडेट्स थे वो जैसे हम एंटर होते तो मैंने भी पूछा कि मेरे कमिन सर, उन्होंने कहा कि बैठा जाएँ। जैसे मैं चेयर के करीब पहुँचा मैंने सलाम किया और देन मैं बैठ गया। पैनल जो है वो 6 लोगों पर मुश्तमिल था, 3 मेल थे, 2 फीमेल और एक जो हेड थे वो जूम पे थे। और मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वो हेड ने ही किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि नजीबुल्ला, मैंने कहा यस सर। बेटा आप कहाँ से हैं? मैंने बताया कि मैं झंडा वाला कलूर कोट। अच्छा, फिर उन्होंने बताया, पूछा कि ZTBL के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने ZTBL के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि जब हम कर्ज़ देते हैं तो इसके लिए एक बुक होती है, ग्रीन बुक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने वो बताया। फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा था तो लाइट जो है वो चली गई या वो डिसकनेक्ट हो गए। फिर जो मेरे सामने थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी लास्ट डिग्री कौन सी है? मैंने लास्ट डिग्री के बारे में बताया। ना फिर उन्होंने कहा कि आपने कभी ZTBL के किसी ब्रांच को जाया विज़िट किया है? उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल बच्चे आप क्या कर रहे हैं? मैंने बताया कि मैं एक स्कूल जो है वो वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ। फिर वो पूछते हैं कि मेरा मतलब आपका अपना है, शेयर पे है या आप किसी के इदारे में काम करते हैं? मैंने बताया कि मैं एक दोस्त के साथ शेयर पे मेरा अपना है। तो फिर वो जो पहले वाले थे वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा फिर आप ZTBL को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? फिर मैंने रीजंस दी कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं वन पेपर का ही एस्पायरेंट हूँ, BBSC, FPSC, NTS इनके मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर मैंने ये भी रीज़न दिया कि मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ZTBL के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि हमारे एरिया में एक तो नज़दीक कोई ब्रांच नहीं है और लोग, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसने ZTBL से जो है वो कर्ज़ लिया हो। और डिफरेंट जो जितनी भी रीजंस थी मैंने दी, कहते हैं गुड। इसके बाद उन्होंने स्कूल के बारे में थोड़ी डिस्कशन की। स्कूल के बारे में पूछा कितने एडमिशन्स हो गए हैं, कैसा चल रहा है और कितने एडमिशन्स हो जाएं तो प्रॉफिट है, कितने हों तो आपको लॉस है। ये थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई। और उसके बाद वो जो पहले वाले साहब थे उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपके फादर क्या करते हैं, आप लोगों की कितनी ज़मीन है और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए। ये कोई 4 से 5 मिनट का इंटरव्यू था वैसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। और मैं उठा अल्लाह हाफिज़ का और फिर मैं वापस आ गया। अच्छा, ये तो था मेरा इंटरव्यू। अब मैं आपको अपना कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शेयर करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने 2 डिफरेंट अकेडमीज़ को ज्वाइन किया था और फिर मैंने सर से कॉन्टेक्ट किया। सर जो हैं वो बहुत अच्छा आपको पढ़ा रहे होते हैं। सर जो आपके साथ कमिटमेंट करते हैं उससे बढ़ के वो डिलीवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन बड़ी है। ये नहीं है कि आपने जूम पे 3-3 घंटे बैठना होता है। सर डेली का एक लेक्चर देते हैं और वो को होता है 40 से 45 मिनट का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जूम पे 3 से 5 घंटे भी बैठें तो वो जो 45 मिनट का लेक्चर है वो उससे ज़्यादा होता है। उस 45 मिनट में जितनी सर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बाहर क्वेश्चन आएगा। सर इस अंदाज़ से आपको प्रिपेयर करवा रहे होते हैं कि आपका टेस्ट और इंटरव्यू एक ही जगह पे हो रहे होते हैं। मतलब उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक में से इंटरव्यू के बारे में कितने क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे मैंने जवाब देना है। इसके अलावा सर की जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। सर, अगर आप सर का लेक्चर सुनेंगे, सर की बातें सुनेंगे तो आपके अंदर एक ज़रूर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं सर से एक बार ज़रूर मिलूँ। और इसके अलावा जो है सर बहुत डाउन टू अर्थ हैं, कभी ये फील नहीं करवाते कि वो कोई बहुत जो है ना वो बड़ी शख्सियत हैं या आपको टाइम नहीं देते, और 24 आवर अवेलेबल होते हैं। जब भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे सर कहते हैं कि आप क्वेश्चन करें, सर जैसे ही अवेलेबल होते हैं सर आपको जवाब देते हैं, वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं वो क्वेश्चंस। तो अगर आप एक अथेंटिक सोर्स से तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़े वक्त में बहुत टू दी पॉइंट जो है वो आप तैयारी करें, तो कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी जो है वो आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू।